हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट एसएस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं कि आपके पड़ोसी के द्वारा यदि आपको दिक्कत दिया जा रहा है, आपको किसी भी प्रकार का कष्ट पहुंचाया जा रहा है, आपके घर के सामने वो गाली गलौज करने लगते हैं, ऊंची आवाज में बात करते हैं आपसे, आपके घर के सामने ही वो नाली का पानी जो है उसके लिए आपसे झगड़ते हैं, गाड़ी पार्किंग कर देते हैं, या फिर रात को 10 बजे के बाद ऊंची साउंड में, ज्यादा साउंड में म्यूजिक सुनते हैं, किसी भी इस प्रकार के जो हरकतें हैं उनके द्वारा आपको समझाने के बावजूद भी बार बार आपको डिस्टर्ब करने के लिए किया जाता है, या फिर दारू पी के वो गाली गलौज करता है आपके साथ। किसी भी प्रकार का दिक्कत यदि आपके पड़ोसी के द्वारा आपको पहुंचाया जा रहा है, तो उस स्थिति में आपको क्या कानून का सहारा लेना चाहिए? आपको उनसे झगड़ना लड़ना नहीं चाहिए, बल्कि कानून का आप सहारा लीजिए। कानून उसको ठीक कर देगा और वो दोबारा इस प्रकार की हरकत करने का सोचेगा भी नहीं। तो इसी को आज मैं बताने वाला हूं, क्लियर करने वाला हूं। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं। फ्रेंड्स, आजकल देखा गया है समाज में कि व्यक्ति जितना अपने सुख से सुखी नहीं रहता है, खुश नहीं रहता है, उससे ज्यादा वो दूसरों को यदि देखता है आगे बढ़ते हुए, तो उससे वो दुख हो जाता है, दुखी हो जाता है, उसको अंदर से दुख होने लगता है कि वह व्यक्ति जो आज तक जमीन पे था, उसने आगे कैसे बढ़ गया। अब किसी व्यक्ति को कोई आगे बढ़ने से तो रोक नहीं सकता, क्योंकि उसकी मेहनत का नतीजा है वो कि वो व्यक्ति आगे बढ़ रहा है। अब पड़ोसी क्या करता है, उसको डिस्टर्ब करने लगता है, उसको जो है नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना लगता है कि किसी तरीके से इस मामले में इसको उलझा दें, जिससे आगे बढ़ने से ये रुक जाए, या फिर वो जानबूझकर ही उसको दिक्कत पहुंचाता है। उसका इंटेंशन रहता है कि इससे लड़े झगड़े, बहुत सी प्रकार की इंटेंशन रहता है। इस स्थिति में वो क्या करेगा, उसके घर के सामने गाड़ी पार्किंग कर देगा, रात को ऊंची आवाज में, ऊंचे साउंड में म्यूजिक सुनेगा, उसके बाद जो है नाली का पानी जो है वो उसके घर के सामने बहा देगा। उसके बाद क्या करेगा, तो जो भी जमीन जायदाद है उसमें, खेत में उनके घर के बगल में जो जमीन जायदाद है उसमें बोलेगा कि ये मेरा है, इसमें से मैंने तुमने मेरा जमीन ले लिया है। मतलब इस तरीके की बहुत सी हरकतें रहती हैं जिससे वो डिस्टर्ब करने की पूरा से पूरा कोशिश करते हैं। नहीं हुआ तो रात को दारू पी के ही गाली गलौज करने बैठ जाता है। उससे भी नहीं हुआ तो आप देखेंगे कि गली में क्या है कि बहुत सारे ऐसे भी पड़ोसी होते हैं कि घर के सामने बार बार मतलब ज्यादा स्पीड में गाड़ी ले जाएगा, गाड़ी फिर लौटा के लाएगा। फिर उस स्थिति में आपको डर बना रहता है कि आपके घर में बच्चे रहते हैं, अब बच्चे को जो कहीं बच्चे उस चपेट में ना जाए, वो गाड़ी इंटेंशन ही उसका रहता है कि आपको डिस्टर्ब करना, आपको नुकसान पहुंचाना। उस स्थिति में आप परेशान रहते हैं कि मैं क्या करूं। तो देखिए, सिंपल सी चीज करना है। इस स्थिति में आपको यदि उसके खिलाफ एक्शन लेना है तो एक्शन कानूनी रूप से लीजिए, ना कि उसको उसके साथ झगड़ा कीजिए, लड़ाई कीजिए। झगड़ा लड़ाई करने से कुछ नहीं होता है, बाद में लोग कानून का सहारा ही लेता है, क्योंकि लड़ाई झगड़ा करने से सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। इससे बेहतर है कि मामले को सुलझाएं आपसी में, आपस में यदि नहीं सुलझता है तो कानून का सहारा लें, कानून उसको सुलझाएगी। यहां पे आपको कानून का सहारा क्या लेना है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में SDM या फिर DM का एक हेल्पलाइन नंबर होता है जो पब्लिकली होता है, उस हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करें, वहां मामले को दर्ज कराएं। मामला दर्ज कराने के बाद SDM या DM के ऑफिस से पुलिस वाले के जो PCR वाले होते हैं उनको आपके यहां भेज दिया जाएगा, और जिसके खिलाफ आपने कंप्लेंट किया है उस नंबर पे उसको बुलाया जाएगा, उसको थाने ले जाया जाएगा, उसको अरेस्ट किया जाएगा,
उसको सारे मामलों को बताया जाएगा। लेकिन ये सब करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए कि जो भी पड़ोसी इस प्रकार की आपके साथ हरकतें करता है उसका आप एक वीडियो क्लिप बना लीजिए, क्योंकि वीडियो क्लिप आप एज ए एविडेंस के रूप में वहां पे प्रोड्यूस कर सकते हैं, वहां पे दिखा सकते हैं। एक वीडियो बना लीजिए, वो वीडियो बनाने के बाद आप कंप्लेंट कर दीजिए। कंप्लेंट करने के बाद वहां से पीसीआर वाले आएंगे, उनको थाने बुलाएंगे, थाने बुलाने के बाद उनको अरेस्ट किया जाएगा, उससे पूछताछ किया जाएगा और आईपीसी की सेक्शन 268 और 290 के तहत उस पर मुकदमा भी दर्ज होगा, उसका पर्चा कटेगा। पर्चा कटने के बाद उस पर फाइन लगेगा, उसको बेल लेना पड़ेगा, फिर वहां से उसको नसीहत देके छोड़ा जाएगा। अब भाई एक बार तो आपने करा दिया कंप्लेंट, लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं संभलता है, तो अब क्या करना चाहिए? फिर दोबारा फिर आपको क्या करना है, दोबारा वही प्रोसीजर को फॉलो अप करना है। फिर से आपको वीडियो बना के और एसडीएम या डीएम की जो हेल्पलाइन नंबर है उस नंबर पे कंप्लेंट करना है। वहां से फिर पीसीआर वाले आएंगे, उसको थाने ले जाएंगे और इस बार उसको 268 या 290 के तहत नहीं, आईपीसी की सेक्शन 291 291 के तहत उस पर मामला दर्ज होगा, पर्चा कटेगा और जिसके लिए उसको बेल भी नहीं मिलेगा, 6 महीने तक की जेल की जेल है उसको, उसको डायरेक्ट हिरासत में ले जाया जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको पुराना जो मामला है उस मामले का भी वहां पे हवाला देना है, उस मामले को वहां पे बताना है। तो इसी तरीके से नाले का पानी यदि बहाता है तो उसके लिए भी अलग सेक्शन लगते हैं, म्यूजिक बजाता है अलग सेक्शन लगते हैं, लेकिन सबका प्रोसीजर जो है प्रोसीजर यही है कि कोई यदि आपको तंग करता है, किसी भी प्रकार का परेशानी पहुंचाता है, आपका दोष नहीं है, वो फिर भी आपको जानबूझकर इंटेंशनली आपको परेशान कर रहा है, तो आप हर स्थिति में यही काम करें कि आपके जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसमें एसडीएम एसडीओ या डीएम का हेल्पलाइन नंबर पब्लिकली रहता है, उस हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करें, वहां से पीसीआर वाले को भेजा जाएगा, फिर वो उस व्यक्ति के खिलाफ एक्शन लेगा, उसको थाने ले जाएगा। यदि पहले बार उसने किया है तो उसको फिर पर्चे काट के, जो भी कंसर्न सेक्शन होगा उस सेक्शन के अंतर्गत पर्चे काट के उसको बेल दे के नसीहत दे के छोड़ दिया जाएगा। यदि उसने दोबारा वही गलती को रिपीट किया है तो फिर उसको नसीहत दे के नहीं छोड़ा जाएगा। जिस भी सेक्शन में उसका एफआईआर होना चाहिए उस सेक्शन में उसका जो है मामला को दर्ज किया जाएगा और उसे जेल भेजा जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपके पड़ोसी के द्वारा यदि किसी भी प्रकार का दिक्कत आपको पहुंचाया जा रहा है तो आप उसे लड़े झगड़े नहीं बल्कि कानून का सहारा लें और जो प्रोसीजर मैंने बताया है उस प्रोसीजर को अपनाएं और उसके बाद जो है उस पड़ोसी को ऐसे सबक सिखाएं फिर दोबारा आपसे वो उलझने की कोशिश नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स ये वैल्यूबल जानकारी आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। हमसे यदि आप बात करने की कोशिश करना चाहते हैं, आप यदि मुझसे बात करना चाहते हैं ऑन कॉल, किसी भी प्रकार का सलाह लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये पेड सर्विस होगा, इसके लिए आपको कॉल बुक करना पड़ेगा। कॉल बुक करने के बाद हमारे टीम की ओर से आपको कॉल जाएगा और फिर आपको सलाह दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।